पर आपको बता दें, भेड़ों की लगातार हो रही चोरी के बीच धरना दिया जा रहा था। यहां पर भेड़ चोरी प्रकरण में जो 5 घंटे से धरना दिया जा रहा था वो अब समाप्त हो गया है। भेड़ चोरी मामले में पीड़ितों ने SIT से जांच की मांग की है, हालांकि फिलहाल उन्होंने आश्वासन के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया है। 5 घंटे से रेनवाल पुलिस थाने के सामने यह धरना दिया जा रहा था। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे, वहां से स्थानीय पत्रकार जगदीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, इस पूरे मामले में 5 घंटे तक धरना दिया गया, किस तरह का आश्वासन दिया गया? SIT गठन की भी मांग की गई है, SIT से जांच की मांग पीड़ितों की तरफ से की गई है, क्या ये मांग मान ली गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दिन भर 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला है गुर्जर समाज का। 1 सितंबर को चोरी, भेड़ों की चोरी का मामला था, उस दौरान पुलिस प्रशासन ने 10 दिन का समय मांगा था। DSP के आश्वासन के बाद में धरने से उठ गए थे। उसके बाद 10 दिन बीत जाने के बाद में आज फिर से गुर्जर समाज के लोगों ने धरना दिया है लगातार 6 घंटे तक। SP कुमार सांत्रो के निर्देशन में SIT टीम गठित की गई है, जिसमें गोविंदगढ़ SHO हेमराज गुर्जर सिंह इसी टीम के थाना अधिकारी रहेंगे और उनकी देखरेख में से ये चोरी की जो वारदात है उसका खुलासा करने की बात कही गई। इसके बाद में गुर्जर समाज के लोगों ने धरना समाप्त कर दिया है। बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल धरना समाप्त कर दिया गया है, पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि SIT इस पूरे मामले की जांच करेगी। SIT गठित भी कर दी गई है। गुर्जर समाज का जो धरना यहां पर पिछले 6 घंटे से चल रहा था वो इस आश्वासन के बाद अब समाप्त हो गया है।